आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप डिजाइन इंजीनियर हैं या डिजाइन इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मींस आप सॉफ्टवेयर वगैरह सीख रहे हैं, तो किस तरीके से अपने फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्सप्लोर कैसे करना है, डिजाइन इंजीनियर मतलब क्या होता है और हम क्या समझ रहे हैं, वो सारी चीज डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल, यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों हम लोग डिजाइन इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर सीखते हैं, यानी ऑटोकैड सीखते हैं, स्टैट प्रो सीखते हैं, ईटैप सीखते हैं, और हम कहीं भी जाते हैं तो फिर हमसे बताया जाता है कि भाई इस जॉब में जाओ, मीन्स आप बिल्डिंग के मॉडलिंग में जाओ, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर डिजाइन में जाओ, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट कभी भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि हमको इसमें और भी ब्रांचेस हैं जिसमें एक्सप्लोर कर सकते हो डिजाइन में रहते हुए। क्या आपको कभी बताया गया कि ब्रिज डिजाइन में बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है? अब स्कोप मतलब वो शर्मा जी वाला स्कोप नहीं कि उन्होंने बोला था इंजीनियरिंग कर लो बड़ा स्कोप हो जाएगा, वो वाला स्कोप नहीं, वो वाला तो कॉमेडी स्कोप था। आप अगर डिजाइन इंजीनियर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बिल्डिंग ही डिजाइन करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही लोग भूल चुके हैं। मतलब क्या हो गया लोगों का? बिल्डिंग डिजाइन। अरे भाई, सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक पार्ट है जो आप देखते हो। इसके अलावा हम लोग डैम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, डैम स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं, हम लोग बिल्डिंग के अलावा ब्रिजेस पे जा सकते हैं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है CSI ब्रिज, आपने देखा होगा पीछे अभी दिल्ली बिल्डकॉन कंपनी का कितना बड़ा ओपनिंग आया था, 1.2 CR का उसका पैकेज था, 1.2 CR, आप बिलीव करेंगे? एक्सपीरियंस मांगा था, बट 1.2 CR किस फील्ड में? उनको चाहिए था जो CSI ब्रिज अच्छे से चला सके, जो ब्रिज के डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से कर सके। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जा सकते हैं, उसमें हम लोग अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं अलग अलग। सैप SCP-2000 सुना होगा आपने, उसको सीखने के बाद आराम से आप इस प्रोफाइल पर जा सकते हो। इसके अलावा आज के टाइम में जो सबसे बढ़ता हुआ युग दिख रहा है आपका इंटरनेट का, इस युग में सबसे ज्यादा आपका स्कोप अभी फ्यूचर में होने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू GIS। अगर आप GIS में एंट्री करते हो, कुछ बच्चों ने कल मुझे कमेंट किया था सर मेरा GIS में जॉब लगा है, मैं करूं कि नहीं करूं? भाई बिल्कुल कर लो। क्यों? क्योंकि देखो यार, सबका गोल क्या है? डिजाइन इंजीनियर बनना। आपको सब्जी मंडी जाना है, वहां पे क्या है? डिजाइन इंजीनियरिंग की जॉब है, राइट? अब लोगों ने जो ट्रैफिक वाला रूट है वो कौन सा ट्रैफिक वाला रूट है? बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, हर तरफ से बिल्डिंग दिखाई देता है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना रश हो गया है कि आपको पहुंचने बहुत टाइम लगता है और कभी कभी तो लोग पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन क्या केवल बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग बताया गया था आपको? सिर्फ हमने बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ा था, हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, हमने स्टील स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, PEB प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग भी हमने पढ़ा था, हमने प्रीकास्ट भी पढ़ा था। तो केवल हमारे पास केवल एक ऑप्शन कैसे हो सकता है, इस चीज को हमको क्लियर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आप सोचिए कि आपके से हमने सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, आप सिविल 3D सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। सिविल 3D सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप इजिली कंटूरिंग कर सकते हैं, वो भी तो डिजाइनिंग है। आप CSI ब्रिज सीख चुके हैं, आप टेक्ला सीख चुके हैं, वो भी तो डिटेलिंग है। डिटेलिंग में टेक्ला में क्या फायदा है? टेक्ला में केवल ऐसा नहीं कि आप बिल्डिंग के लिए जा सकते हो, आप ब्रिजेस के लिए जा सकते हो, ब्रिज डिटेलिंग के लिए जा सकते हो, आप डिटेलिंग वॉल के डिटेलिंग के लिए जा सकते हो, मींस देयर आर मेनी 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 पार्ट्स। तो हमें क्या करना है, हमें उस रास्ते से जाना है जिस रास्ते में भीड़ बहुत कम है। इस समय देखो अगर मैं मार्केट में, तो सबसे ज्यादा सिविल 3D की ओपनिंग चल रही है, काफी लोग जॉब कर रहे होंगे सिविल 3D में, जो भी कर रहे हैं नीचे कमेंट करना। और उसके बाद बिल्डिंग में तो ऑफकोर्स है, बट बिल्डिंग का एक फिक्स लिमिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी इतने प्लॉट्स, इतने ढेर सारे अपार्टमेंट्स बन के तैयार हो गए हैं, अभी वही सेल नहीं हो रहे हैं, तो आपको नई ओपनिंग कहां से मिलेगी? तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो, आप डैम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करो, डैम के ऊपर बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, आपको पता नहीं होता क्योंकि आप उस चीज में काम नहीं कर रहे हो। आप अगर सर्च करोगे तो डैम स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा स्कोप है आपको, रिटेनिंग वॉल में आपको बहुत अच्छा आप जा सकते हो, रिटेनिंग वॉल के लिए लोग कैनाल बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, मीन कैनाल डिजाइनिंग के लिए आप जा सकते हैं, उसके लाइनिंग करना पड़ता है। उसके अलावा आप इसमें एक सॉफ्टवेयर सीख सकते हो MX रोड, रोड की डिजाइनिंग के लिए इतना अच्छा है कि आपको क्या बताओ, रोड के डिजाइनिंग के लिए, मीन्स आप रोड के डिजाइनिंग पे जा सकते हो। आप टावर स्ट्रक्चर में जा सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन टावर, इस समय उसके लिए कैंडिडेट मिलते ही नहीं और ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं टावर स्ट्रक्चर में, सिर्फ कोल्ड रोल स्टील के बारे में पढ़ना है और विंड प्रेशर के बारे में पढ़ना है बस। आप कहीं पे भी मैनुअल डिजाइन करके आप बहुत अच्छे टावर की कंपनीज में लग सकते हो। जितनी भी टावर की कंपनी होती है आप देखते हो सबके घर के ऊपर टावर लगता है, सबके घर के ऊपर आज के टाइम में तो एक पैनल का डिजाइन आके आ चुका है, हर जगह पे सबको सोलर पैनल लगवाना है।
तो जब सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके नीचे जो उसके ऊपर रखने के लिए होता है ना, उसमें जो ट्रस होता है, उस ट्रस की डिजाइन होती है स्टैंड प्रो पे, कितना आसान है, बहुत आसान, उसका डिजाइन में कुछ भी नहीं रहता। बट अभी जितने भी बिल्डिंग्स बनेंगे सब में वो लगने वाला है, और वो एक ऐसी चीज है जो जल्दी ही खराब भी होती है। तो ऐसे रीयूज वाली चीजों पर अगर हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमें ट्रैफिक मिलता है। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि बिल्डिंग ही सिर्फ एक डिजाइन इंजीनियरिंग की जॉब होती है, बिल्डिंग के अलावा भी बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं। बिल्डिंग के अलावा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ इतना रस हो चुका है बिल्डिंग में, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जा रहे हो बिल्डिंग में, वो क्या हो रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे भी अच्छे वाले बैठे हुए हैं उसी फील्ड में, और अगर वो थोड़ा सा यू टर्न ले ले, उनके पास भरमार है, डैम, हाइड्रोलिक, मैं बार बार बोला हूँ, एमएक्स रोड, सीएसआई ब्रिज सीख लीजिए, ब्रिज पे बहुत ही अच्छा आपको इसको मिल जाएगा, ब्रिज पर बहुत अच्छे जा सकते हैं। आपको मैंने बोला टेक्ला सीख लीजिए, इसमें डिटेलिंग में आप हर जगह पे जा सकते हैं। सिविल 3D सीख लीजिए, जीआईएस का सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, हर जगह पे आपको नए नए तरीके से डिजाइन इंजीनियरिंग की जॉब मिलेगी। सबके सब ऑफिशियल जॉब है, सबको यही टेंशन रहती है ना, मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए। कुछ लोग तो हमें यही बोलते हैं सर मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि क्या मिलने वाला है। आप क्वांटिटी टेक ऑफ सीख सकते हो, एस्टिमेशन के लिए इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है क्वांटिटी टेक ऑफ, ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ, कि आपको क्या बताऊं। आप एक छोटा सा टूल है आपका टोटल स्टेशन, अगर थोड़ा बहुत आपको फील्ड पे जाना अच्छा लगता है आप उसको सीख लीजिए। इतना कि आपको क्या बताऊं, मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपए में कहीं पे कोर्स सीख लेंगे। मार्केट में लड़के नहीं मिलते टोटल स्टेशन के लिए, लोग सर्च करते हैं, लोग कंसल्टेंसी को पैसा देते हैं, भाई मुझे टोटल स्टेशन के लिए कोई बंदा दो, ये हाल है टोटल स्टेशन पे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमें उसके बारे में अवेयर नहीं किया जाता कि ये भी फील्ड हो सकती है। आज आप बैठ के सोचो कि यार ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमें यही करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा था उससे रिलेटेड, अगर आपका हाइड्रोलिक अगर अच्छा है तो उसमें चले जाओ, अगर आपका एस्टिमेशन अच्छा था या आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप एस्टिमेशन में चले जाओ। बी एल दत्ता सर की बुक बहुत अच्छी होती है, आप उसको पढ़ सकते हो अगर एस्टिमेशन में जाना चाहते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना, बी एल दत्ता की बेहतरीन बुक है, मैंने भी उन्हीं की बुक पढ़ी है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। उसके अलावा ऑटो टेस्ट क्वांटिटी टेक ऑफ, दो चीज करना है, क्वांटिटी टेक ऑफ का सॉफ्टवेयर सीखना है, बी एल दत्ता की बुक पढ़नी है, खत्म। कहीं पे भी जाओगे कोई भी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कुछ नॉलेज है, एक चीज का बहुत डीप नॉलेज दिया गया है। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मोटो था कि सब लोग बिल्डिंग 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 करके एक जगह ट्रैफिक मत लगा लो, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सन के साथ जाओ, जहां कोई नहीं है वहां जाओ, फटाफट आपकी एंट्री हो जाएगी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अगर किसी को पर्सनली पूछना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जा सकते हो उस प्रोफाइल में, या कौन सा सॉफ्टवेयर सीख के उस प्रोफाइल में जा सकते हो। मे भी आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करना नीचे, और कमेंट करके बताना कि सर मुझे इसमें जाना है तो इसके लिए क्या होगा, तो मैं आपको उसके लिए पर्टिकुलर बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ कॉमन बताया कि कौन कौन सी लाइन हो सकती है, हो सकता है आपको जीआईएस में जाना हो तो नीचे कमेंट करना सर जीआईएस के बारे में बताइए, तो मैं जीआईएस का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। काफी लोगों ने बोला था क्वांटिटी टेक ऑफ, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा जोड़ दिया कि आप ऑटोडेस्क क्वांटिटी टेक ऑफ सीख लीजिए, एस्टिमेशन की बुक बीएन दत्ता सर की बुक खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो या कुछ अवेयरनेस मिला हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो हमारे पुराने भाई बहन हैं सब लोग इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मैंने आपको प्रॉमिस किया है 10K के बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देने वाला हूँ, तो आप भी अपना प्रॉमिस करिए, जल्दी जल्दी से इसको व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।